तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इसराइल को धूल चटाने के लिए मुस्लिम देश हुए एकजुट। अमेरिका के आदेश के बाद इसराइल पर करेंगे हमला, यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे मुसलमान, नेतन्याहू के लिए झटका। हल्द्वानी हिंसा में शामिल मुसलमानों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, बीजेपी सरकार ने किया ऐलान, 5000 हल्द्वानी के मुसलमानों पर FIR दर्ज। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत के बदले सुर, मोदी सरकार की जमकर की तारीफ। गाजा पट्टी में जंग अभी और आगे चलेगी, इसराइल ने राफा क्षेत्र से फिलिस्तीनियों को हटाने का किया ऐलान, कहा मिस्र भागे फिलिस्तीनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल से लगा झटका, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में योगी के आने पर लगा बैन। हल्द्वानी में हिंसा के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट, बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात, उत्तर प्रदेश के बरेली में हो सकता है दंगा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इसराइल को पड़ेगा भारी, यमन ईरान मिलकर इसराइल पर करेंगे हमला, नेतन्याहू को झटका। यदोस आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब इसराइल की मौत घेराने लगी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्ला ईरान मिलकर कभी भी इसराइल पर हमला कर सकते हैं, इसकी जानकारी ईरान के विदेश मंत्री हसन नसरुल्ला ने दी है। उन्होंने बताया है कि हिजबुल्ला के प्रमुख और ईरान के विदेश मंत्रियों ने गुपचुप तरीके से मुलाकात की है और ये मुलाकात इसराइल पर हमले के लिए की गई है, क्योंकि गाजा पट्टी में इसराइल ने युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों को बचाने के लिए वो इसराइल पर हमला करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान और हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल में हड़कंप मच गया है, नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक्शन में आई बीजेपी सरकार, 5000 लोगों पर FIR दर्ज, दंगों में शामिल लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। यदोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को भड़की हिंसा को लेकर अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार एक्शन में आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिंसा के खिलाफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने 5000 लोगों पर हल्द्वानी में FIR दर्ज की। वहीं आपको बता दें कि जो लोग हल्द्वानी हिंसा में शामिल थे उन पर NSA लगाएगा और उनके घरों को बुलडोजर से ढाया जाएगा, इसका ऐलान उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक भड़की हिंसा में 6 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, वहीं हल्द्वानी को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 5000 FIR दर्ज करने के बाद लगभग 50 मुसलमानों को हिरासत में अब तक ले लिया गया है, जबकि 19 आरोपियों के खिलाफ नाम दर्ज FIR दर्ज की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दक्षिणी गाजा पर इजरायली हमले की आशंका हुई तेज, PM नेतन्याहू ने शहर खाली करने का फिलिस्तीनियों को दिया आदेश। यदोस्तों आपको बता दें कि इजरायल का प्रधानमंत्री जो अब तक इंसान था वो अब जानवर बन गया है। इस जानवर ने इजरायल की सेना से राफा बॉर्डर के पास रहने वाले फिलिस्तीनियों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजरायल का कहना है कि राफा बॉर्डर के करीब जितने भी फिलिस्तीनी लोग हैं वो इस क्षेत्र को खाली कर दें और मिस्र की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि वो इन क्षेत्रों पर हमला करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि कल इजरायल के हमले में 13 फिलिस्तीनी महिला सहित 4 बच्चों की मौत हो गई थी और अमेरिका ने इस पर कड़ा विरोध जताया था, लेकिन आज फिर से नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी मुसलमानों को शहर खाली करने का अल्टीमेट दिया है। अब देखते हैं कि मुस्लिम देश इजरायल पर कब कार्रवाई करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ पर लगा बैन, ममता बनर्जी के मंत्री ने दी धमकी, कहा योगी अगर कोलकाता आया तो उन्हें घुसने नहीं देंगे। यदोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ पर बैन लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि जामते उलमाए हिंद के बंगाल अध्यक्ष बबमता सरकार में पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने योगी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने योगी को धमकी देते हुए कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कोलकाता आए तो उन्हें निकलने नहीं देंगे और वे उनके संगठन के साथ उनका घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, ममता के मंत्री ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा पाठ बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी में चल रहा पूजा पाठ तुरंत बंद होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 28000 के करीब पहुंचा, बीते 24 घंटे में 107 फिलिस्तीनियों ने गवाई जान। यदोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजरायल की सेना का अभियान लगातार जारी है, इस अभियान में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि गाजा पट्टी में इजरायल के आतंकी हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 27900
947 हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हिया की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है और बताया है कि जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से इस युद्ध में 67,459 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि बीते 24 घंटों में 107 फिलिस्तीनियों को इजराइल की आतंकी सेना ने मार डाला है जबकि 142 अन्य लोग घायल हो गए और इनका उपचार भी हमसे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब संजय रावत ने बाल ठाकरे के लिए भी भारत रत्न की मांग की। जदयू साहब को दादे के शिवसेना सांसद संजय रावत ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मोदी सरकार से मांग की है। इस पर अब अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा कि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, संत तुकरोजी महाराज, गड़गे बाबा और बाला साहेब ठाकरे जी का योगदान हमारे महाराष्ट्र के लिए उसमें कोई शंका नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि बीते ही दिनों बीजेपी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने का ऐलान किया था और इसके बाद अब संजय रावत ने मांग उठाई है कि बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के जिलों में भी अलर्ट। बरेली में तौकीर रजा खान गिरफ्तारी पर अड़े भारी सुरक्षा बल तैनात। जदोस आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। इलाके में पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। अवैध मदरसे और नमाज स्थल को हटाने पर हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने अल्टीमेट दिया था कि वो दोपहर की नमाज के साथ इस्लामिया ग्राउंड में जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसके बाद बरेली में भी अलर्ट जारी करते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके बाद मौलाना तौकीर रजा अपनी गिरफ्तारी देने पर अड़ गए और प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रामपुर में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों को हल्द्वानी हिंसा के बाद अलर्ट पर रखा गया है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए बिहार आ रहे असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में गरजेंगे। जदोस आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी कर दी है। चुनाव से ठीक पहले बिहार का सियासी समीकरण बदल गया है। जेडीयू एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गई है। तो वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एएमएम पार्टी के सुप्रमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के किशनगंज पहुंचने वाले हैं। उनका ये दौरा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर है। एएमएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने उनके प्रस्तावित दौरों को लेकर जानकारी दी है और बताया है कि आगामी 16 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज पहुंचेंगे। यहां वो 2 दिन तक जनसभाओं को संबोधित करेंगे क्योंकि किशनगंज मुस्लिम बहुल सीट है और यहां से लगातार मुस्लिम सांसद ही बनते हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी हिंसा में मारे गए सभी लोग की हुई पहचान, कर्फ्यू रहेगा जारी, इंटरनेट अभी तक बंद। जदू साहब को दादे कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में गुरुवार को हुई हिंसा में अब तक 6 लोग की मौत हो चुकी है जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से 3 की हालत गंभीर है। हिंसा में मारे गए सभी लोग की पहचान पुलिस ने कर ली है। राज्य सरकार ने बन भूलपुरा में हिंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को ना बकसने के कड़े निर्देश दिए हैं। शहर के उपद्रवग्रस्त इलाके में कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवा अभी भी निलंबित है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने हिंदुस्तान समाचार को बताया कि वन भूलपुरा हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और किसी भी कीमत पर कर्फ्यू नहीं खोला जाएगा जब तक हिंसा खत्म नहीं हो जाती। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से खुश हुए किसान नेता राकेश टिकैत, मोदी सरकार की कर दी तारीफ। जदोस आपको बता दें कि मोदी सरकार ने भारत रत्न देने के लिए शुक्रवार को 3 नामों की घोषणा की जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, बीपी नरसिम्हा राव के अलावा डॉक्टर स्वामी नाथ शामिल हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। आज वह मांग पूरी हो गई है। साथ ही डॉक्टर स्वामी नाथन और पीवी नरसिम्हा राव को ही भारत रत्न दिया जाए। टिकैत ने कहा कि हम भारत सरकार को तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे और डबल शुक्रिया भी अदा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राकेश टिकैत काफी खुश हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी हिंसा में मारे गए सभी लोग की हुई पहचान, कर्फ्यू रहेगा जारी, इंटरनेट अभी तक बंद। जदू साहब को दादे की नैनीताल जिले के हल्द्वानी में गुरुवार को हुई हिंसा में अब तक 6 लोग की मौत हो चुकी है जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से 3 की हालत गंभीर है। हिंसा में मारे गए सभी लोग की पहचान पुलिस ने कर ली है। राज्य सरकार ने बन भूलपुरा में हिंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को